हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हाउसवाइफ सुष्मिता। आप सब कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज है हमारा अष्टमंगला, मतलब आठवां दिन में कुछ रिचुअल्स होता है। तो हमारा आठवां दिन सैटरडे को था, तो सब तो नॉन वेज बनता है। हमारे आठवां दिन में भी सब लोगों को, कुछ लोगों को इनवाइट किया जाता है। तो कल शिवरात्रि है, तो इस वजह से सब लोग तो उपवास में रहेंगे, फास्टिंग रखेंगे, कोई नहीं खाएगा। तो इसलिए आज ये जो है इनविटेशन वाला काम, खिलाने वाला काम आज ही हो जाएगा। आज है फ्राइडे और कल जो है रिचुअल्स बाकी का वो होगा। तो आज बहुत कुछ आज भी बन रहा है। आज 100 लोगों का इंतज़ाम है खाने का। तो चलिए, क्या क्या आज मतलब हो रहा है घर पे, क्या क्या अभी सब चल रहा है काम, आप लोगों थोड़ा थोड़ी करके शेयर करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे चना बन गया है, उसके साथ पूड़ी बनेगा और बनेगा पुलाव, बनेगा दाल, राइस, आलू पोस्ट, तो बंगाली फेमस। और यहाँ पे है मछली का कलिया बनेगा और मटन करी बनेगी और खीर बनेगा और पापड़ तो रहेगा ही, और चटनी है अभी घर में, वो तो ख़राब नहीं होता। और दही, हाँ दही, और दही है, मिठाई है, बस इतना ही। और अभी ये खीर और यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, छोले ही बस बने हैं, बाकी का काम अभी धीरे धीरे हो रहा है। छोले मसाले, तो हमारे बंगाली कल्चर में साखा को कैसे पहनाया जाते हैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। आप लोगों ने सभी ने तो देखा है बंगाली लोग साखा पहनते हैं, लेकिन ये सफ़ेद रंग की साखा शादी के 8 दिन के बाद पहनाया जाता है। शादी के ब्लॉग में आप लोगों ने तो देखे ही होंगे, हमने शादी में भी हमारे 600 किलो के आसपास नॉनवेज बना था। तो आज शादी के बाद 8वें दिन में भी मटन बन रहा है। दिल्ली में तो हम लोग रहते हैं, आप लोगों को पता ही है, तो वहाँ पे इस तरह की बकरा बकरी रास्ते में तो नहीं दिखता। तो नोनी को अभी दिख गया, नोनी बहुत खेल रही है बकरा के साथ। और शादी के बाद 8वें दिन में भी आलता पहनाया जाता है सारी शादीशुदा औरतों को। तो ये देखिए, मेरी बेटी भी आलता पहनना बहुत पसंद करती है। नोनी कितना चुपचाप बैठ के आलता पहन रही है। और पैर में आलता पहनने के बाद हाथ में भी आलता लगाया जाता है, तो नोनी सोच रही है उसको भी लगाना है। आप लोग देखना इस तरह से नोनी भी कैसे हाथ को आगे बढ़ा देगी कि मुझे भी लगा दो। दीदी हाथ देखो, हमारे बंगाली कल्चर में जहाँ पे शादी हुआ है, मतलब मंडप को 8 दिन तक रखा जाता है, उसको हटाया नहीं जाता है। तो उस वहाँ का टेंट अभी खुला नहीं था और यहाँ पे चेयर टेबल बिछा दिया गया है। जो लोग आज हमारे घर में इनवाइट है वो लोग वहाँ पे बैठ के खा सकते हैं। इसीलिए इतना सुंदर डेकोरेशन हुआ था ना हमारे घर में, क्या ही बताऊँ। मिस्त्री लोगों को अभी मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वो लोग इतना मन से, दिल से इतना सुंदर करके डेकोरेट किया था, क्या ही बताऊँ। लेकिन इस तरह से खुल के सब बेम्बो वगैरह सब अभी ले जा रहे हैं, मुझे अभी ख़राब भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि घर को पहचान ही नहीं पा रही हूँ। आप लोगों ने तो मेरा ब्लॉग पर देखे ही होंगे, मैं आई थी शादी के 1-2 दिन पहले, तो शादी का पंडाल जो था 15-20 दिन से शुरू हो गया था, मतलब 15-20 दिन पहले शुरू हो गया था। मैं आई तब घर को पहचान ही नहीं पा रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। और यहाँ पे अभी पूड़ी बनने की तैयारी चल रहा है। खाना हो गया है, कुछ लोग खा के भी चले गए, अभी ब्रेकफास्ट चल रहा है, पूड़ी और ये है छोले, और उसके साथ मुरमुरा भी मैंने ले लिए हैं। सब लोग खा के चले, कुछ लोग आएंगे फिर तभी खाएंगे। सोमिक मंडल जी ब्लॉग्स मेरा चैनल का नाम है, प्लीज विजिट कीजिए, यहाँ पर भी आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलता रहेगा। मेरा वीडियो है, मैं बंगाली में वीडियो बनाता हूँ, तो वेस्ट बंगाल से जो है तो देख सकते। सब मेरा वीडियो देखो, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट करके बोलना, ठीक है।
और यह मेरी नवेली दुल्हन, दुल्हा का तो पता नहीं, दुल्हा का पेट खराब हो गया सुबह से, उसके साथ शादी के खाना सब कुछ बिगड़ गया। क्या हुआ दूल्हा पहले जो वो बैचलर पार्टी, 10 बैचलर पार्टी ज्वाइन कर चुका है, तो बैचलर पार्टी मतलब समझ ही सकते हैं, हेवी डिश खाना था, वो खा के दूल्हा समझ नहीं पाया क्या होगा उसके बाद। फिर शादी के बाद 6 दिन बाद इतना मतलब ज़्यादा पेट के अंदर जहर बन गया सब कुछ, फिर अब लूज मोशन करके सब निकल गया है। घर में शादी हो या पर बाहर में, जहाँ पर भी ज़्यादा ही बड़ा फंक्शन हो ना, मेरी तो एक ही काम रहता है, नोनी को खिलाना। नोनी को खिलाते मुझे 1-2 घंटा लग ही जाता है। उसके साथ साथ क्या होता है कि नोनी ना ज़्यादा अगर लोग दिख जाए, मतलब उसको अलोनली खाना पसंद है। शादी के दिन में भी ऐसा ही हुआ था, पूरे दिन मुझे ब्रेकफास्ट खिलाने में, फिर लंच खिलाने में, फिर डिनर कराते कराते मेरा टाइम निकल गया। मैं तो लोगों से ज़्यादातर मिल भी नहीं पाई। और आज हमारे घर में मटन जो बना है नोनी को आज बहुत पसंद आई है, क्योंकि आज होमली टाइप बना है, ज़्यादा मसालों वगैरह नहीं दिया गया है। कुछ दिन पहले ही शादी का खाना इतना रिच था, तो थोड़ा सा लाइट खाने का सभी का मन कर रहा था। आज भी खाना बनाने के लिए 3 शेफ्स आए हुए थे, उसके साथ 2-3 सर्विंग के लिए लड़के आए हुए थे, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, हमारे घर वाले तो इतने लोगों को सर्व नहीं कर पाएंगे। सुबह ब्रेकफास्ट हमने घर वाले सब लोग मिल के सर्व किए थे, लेकिन अभी इतने सारे लोग हैं और इतना सारा बंगाली ट्रेडिशनल मेनूज़ है, तो किसको कितना देना चाहिए हमें इतना आइडिया नहीं है। वो जो लोग प्रोफेशनल है, इसलिए हमने वो प्रोफेशनल वाले को ही बुक कर लिया था। शादी के दिन तो कौन आया कौन गया इतना तो हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि शादी का रिचुअल्स था, घर में भी बहुत सारे लोग थे, तो आज तो इतना तामझाम तो कुछ है नहीं। तो हमारे क्लोज़ जो रिलेटिव्स हैं उनको ही आज इन्वाइट किया गया है, ज़्यादा दूर का कोई नहीं था। मैं बता रही हूँ ना, हमारे शादी में तो 1300 लोग था और अभी 8वें दिन में 120 लोग है, तो मतलब समझ ही सकते हैं बिल्कुल एकदम क्लोज़ रिलेटिव्स ही थे, इसलिए थोड़ा सा बातचीत कर पा रहे थे। हेलो फ्रेंड, तो सब रिचुअल सब लोग खा के चले गए, लास्ट बस हम लोग खाए। अभी तो घर बिल्कुल खाली हो गया है, सारा गेस्ट चले गए हैं, अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद देखते हैं कहाँ घूमने कहीं पे जाएंगे सोच रहे हैं। हमने काउंट किए थे 100 लोग होगा, लेकिन सब कुछ मिला के 120 क्रॉस कर गया, 125 ऐसा कुछ हुआ है। ये देखिए हमारा कैटरिंग वाले सब कुछ अपने गाड़ी पे चढ़ा रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं, कि अभी और कुछ ओकेशन नहीं है, तो हम बता रहे हैं उन लोगों को नोनी का 5 साल का बर्थडे करेंगे, तब फिर से मुलाकात होगा, यही बात कर रहे हैं। और कल है कुछ रिचुअल्स होगा जो 8वें दिन में किया जाता है, बस वही रह गया है। और कल शिवरात्रि है, तो सभी मेरे दोस्तों को हैप्पी शिवरात्रि अच्छे से मनाएं। मैं भी कोशिश करूँगी कल शिव को जल चढ़ा पाऊँ, तो देखते कितना क्या होता है। आज का वीडियो इतना ही, मेरा चैनल अगर आप लोग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।